ऐसे तो चोरी होना आपके धन की हानि दर्शाता है, लेकिन कई बार चोरी को शुभ भी माना जाता है। खासतौर पर अगर शनिवार को चमड़े के जूते चोरी हो जाएं, तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग शनि मंदिरों में जूते छोड़ भी देते हैं, इसे शुभ माना जाता है। आखिर शनिवार को जूते चोरी हो जाने से क्या लाभ होता है? ऐसा क्यों माना जाता है कि चमड़े के जूते चोरी हो जाएं, तो हमारी सारी परेशानी उसके साथ चली जाती है। शुभ संकेत है जूतों का चोरी होना। अगर शनिवार को जूते चप्पल चोरी हो जाएं, तो इसे शुभ संकेत माना जाना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि जूते चप्पल के साथ आपकी परेशानी भी चली गई है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्रूर और कठोर न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। शनि जब किसी के विपरीत होता है, तो उस व्यक्ति को जीत तोड़ मेहनत के बाद भी फल थोड़ा ही मिलता है। शनिवार शनि का दिन माना जाता है। हमारे शरीर के अंग भी ग्रहों से प्रभावित होते हैं। त्वचा और पैर में शनि का वास माना जाता है। इनसे संबंधित चीजें शनि के लिए दान की जाती हैं और इनकी बीमारियां भी शनि से संबंधित होती हैं। चमड़ा और पैर दोनों ही शनि से प्रभावित होते हैं। इस कारण जूते चप्पल अगर शनिवार को चोरी हो जाएं, तो मानना चाहिए कि हमारी परेशानी कम होने जा रही है। शनि अब ज्यादा परेशान नहीं करेगा। कई लोग इसी कारण से शनिवार को शनि मंदिरों में जूते चप्पल भी छोड़कर आते हैं, ताकि शनिदेव उनके कष्ट कम कर दें। एशियानेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।